प्यारे व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशमाश होंगे, मज़े में होंगे। सबसे पहले तो जी मैं आप लोगों का थैंक यू करूँगी मेरे 1K कंप्लीट होने पर। आप लोगों ने जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया, मेरे सभी यूट्यूब फ्रेंड्स ने जितनी मेरी हौसला अफजाई की, मैं इसके लिए सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज चलिए जी नई एक वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, चिकन स्टेक कैसे बनाते हैं। तो चिकन स्टेक बनाने के लिए हमने ये ब्रेस्ट पीसेज लिए हैं, इनको हमने धो के अच्छे से खुश कर लिए और सेंटर से मैंने कट लगा के इसके 2 पीसेस किए हैं। इसको अच्छा सा मैं ड्राई करूँगी पेपर टॉवल के साथ और इसको हम इस तरह रखेंगे। वैसे तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है, लेकिन इसको थोड़ा सा पानी इसका जो है वो मैं ड्राई कर रही हूँ। इस तरह से हम सबको कर लेंगे। ये चिकन पीसेस को जो स्टेक बनाने के लिए हमने कट करके रखे थे, धो के रखे थे, इन्हें अच्छा सा ड्राई कर लिए। अब हम इसकी जो मैरिनेशन है वो तैयार करेंगे। मैरिनेशन करने के लिए हमें सबसे इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके लिए हमने ये मस्टर्ड पाउडर लिया जी 1 टीस्पून, ओरिगैनो 1/2 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, चिली ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट इसके अंदर 1 टीस्पून और क्रश चिली इसके अंदर 1 टेबलस्पून, और साथ इसके अंदर 1-1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट का जाएगा जी। ये अदरक लहसुन पेस्ट है और इसके साथ लेमन जूस, हम 2 लेमन जूस हम इसके अंदर डालेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर लेमन डालेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर ये मस्टर्ड पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो मस्टर्ड पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ओरिगैनो डालेंगे, क्रश चिलीज जाएंगी, सोया सॉस जाएगी, सॉल्ट जाएगा और इसके अंदर ये ब्लैक पेपर जाएगी। अब इसके अंदर हम ये अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर इस चिकन को डाल के अच्छे से कोटिंग करेंगे और 1 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद हम इसको ग्रिल पैन के अंदर जिस तरह से स्टेक बनाते हैं उस तरह हम करेंगे। इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे, अच्छे से इसकी कोटिंग करेंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इनकी कोटिंग करके इसको रख देंगे। जितनी देर ये पड़ा रहेगा इसके जूसेस वगैरह जो सारे मसाले के इसके अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाएंगे और ये बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। देखें जी, हमने इसको मैरिनेट करके अच्छा सा इसको कवर करके क्रीम पेपर के साथ हमने रख दिया है। तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद हम इसे निकालेंगे और इसको हम फिर ग्रिल करेंगे। इस इन द मेन टाइम हम क्या करेंगे, इसके लिए मैश पोटैटो बनाएंगे। इसको हमने मसाला लगा के रखा हुआ है। अब हम इसके लिए जो मैश पोटैटो बना रहे थे, हमने आलू बॉयल करके तकरीबन 1/2 kg आलू को बॉयल करके अच्छा सा मैश कर लिए। इसके अंदर हम सॉल्ट एंड पेपर ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा, और इसके साथ ये हमारा पिघला हुआ मक्खन जो हमने थोड़ा सा मेल्ट करके रखा हुआ था ये डालेंगे इसके अंदर और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। और आप चाहें तो इसके अंदर क्रीम चीज़ भी डाल सकते हैं, सिंपल थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। पहले हम इसको अच्छा सा बटर के साथ और सॉल्ट एंड पेपर के साथ इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ी सी क्रीम भी साथ ही ऐड कर लें, इससे बहुत क्रीमी सा फ्लेवर आएगा, सॉफ्ट फ्लेवर आएगा इसके अंदर। इसको आप स्टेक के साथ सर्व करें, सैलड के साथ सर्व करें, डिफरेंट तरीके से लोग इसको खाते हैं। आप ऐसे बनाना चाहें तो ऐसे बना लें। इस तरह से अच्छा सा मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे क्रीमी से बनके तैयार हो चुके हैं और स्टेक जो है इसको अब हम जी व्यूअर्स, 1 घंटा गुजर चुका है और मैश पोटैटो हमने बना लिए हैं। अब हम इसको जो हमने स्टेक को मसाला लगा के रखा था इसको हम ग्रिल पैन में डालेंगे। हमने चूल्हा बिल्कुल हल्की आँच पर रखा है, बड़ी धीमी आँच पे हम इसको गोल्डन फ्राई करेंगे और उसके लिए हमने इसके अंदर हल्का सा ऑयल डाला है और हम 1-1 स्टेक को उठा के इसके अंदर रखेंगे। अब इसको हम बहुत धीमी आंच पे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक एक साइड से गोल्डन करेंगे, फिर हम इसको साइड पलट के दूसरी साइड से गोल्डन करेंगे। गोल्डन ब्राउन हो रही है,
अब हम इसकी साइड बदल रहे हैं, एक साइड पे ये हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा बटर रखेंगे इधर, बटर के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इससे ज़रा टेंडर बहुत सॉफ्ट बनती है। बटर के साथ ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है और ये देखें आप इस तरह से खूबसूरत सी इसकी शक्ल लग रही है, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। आप इस तरह से बनाएं और मुझे बताएं कमेंट्स करके कि आपको मेरा ये तरीका जो है केक बनाने का वो कैसा लगा। देखिए जी, स्टेक हमारी रेडी हो चुकी है, इसको अब हम निकाल लेंगे और इसके साथ ही जो दूसरी हमारी बाकी रहती है उसको भी हम कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी शक्ल लग रही है इसकी, इस तरह से हम इसको भी करेंगे। देखिए जी, ज़बरदस्त सी स्टेक बन के हमारी तैयार हो गई, जिसको हमने मैश पोटैटो और सैलड के साथ सर्व किया है। और इसके साथ जो हमने ये डिप बनाई है, ये मायनेज के साथ चिली गार्लिक सॉस को हमने मिक्स किया है, ये आप इसके साथ सर्व करें तो बहुत मज़ा देती है। अब हम आपको दिखाएंगे कि इसको हम काट के दिखाएंगे आपको ये कितनी सॉफ्ट अंदर से, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये जूसी भी है और ऊपर से क्रिस्पी है, ये देखें बहुत ज़बरदस्त ये स्टेक हमारी बनी है। इसके साथ मैश पोटैटोस और सैलड यूज़ किया जो मैंने, ये डिप मैंने इस तरह से घर में ही बनाई है, आप भी इस तरह से बनाएं और ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी ये चिकन स्टेक बनाने का जो तरीका है ये कैसा लगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानत।